जल्दी करो भाई, पब्लिक से भी मिलना है। रोल 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 जी सर, मध्य प्रदेश में काफी समय से अलग अलग विभागों में खाली पद हैं और अब 1,00,000 पदों पर बंपर भर्ती की सरकार तैयारी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को पूर्व में निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितने भी पद खाली हैं, हम नौजवान जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं पिछले 15 वर्षों से, पढ़ लिख के डिग्री होल्डर, BSc, MSc, इंजीनियरिंग बी और MTech किए लोग भी घूम रहे हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां, उनके लिए सभी विभागों में तत्काल खाली पदों की समीक्षा करें और भर्ती चालू कर दें। और लगातार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जितनी रिक्त भर्तियाँ चालू की गई हैं और सभी विभागों में और कहाँ कहाँ कितने रिक्त पद हैं, सभी में निर्देश जारी करने के बाद अति शीघ्र 1 वर्ष के अंदर समूचे 1,00,000 पद जो खाली पड़े वो और उसके अतिरिक्त और भी जो खाली हो रहे हैं उन पे भी नियुक्ति हैं। कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और प्रजातंत्र में प्रजा तो बची है, तंत्र खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में अगर 50 कर्मचारी हैं किसी विभाग में अधिकारी, तो वहाँ 10 काम कर रहे हैं, सब जगह ऑनलाइन डेली वेजेज आउटसोर्स पर करने के कारण नौजवान बेकार घूम रहे हैं। जो भी आउटसोर्स की कंपनियां हैं जो उनको यहाँ सरकार से मिलता है, कल ही हमने एक जानकारी प्राप्त की, एक आउटसोर्स कंपनी को 18,000 रुपये भुगतान करती है एक बच्चे के लिए, लेकिन वो उनको 10,000 रुपये ही देते हैं, 8,000 बीच में ले लेते हैं। आवास संघ के हमारे जो MD हैं उनसे कल हमने किया और एक बच्चा आया, हमने कहा कितनी तनख्वाह मिलती है, तो सहायक यंत्री के पद पर कार्य कर रहा है, उपयंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपये दे रही है, यहाँ से 18,000 प्राप्त करते हैं वो 10,000 देते हैं। इसलिए जो प्रथा धीरे धीरे कम की जाएगी और इसी के लिए निर्देश जारी सामर प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। कार्रवाई करेंगे या आउटसोर्स जो कंपनियां हैं इस तरीके से? अरे कहा धीरे धीरे कंपनी आउटसोर्स के कंपनी में क्या कार्रवाई करेंगे, आउटसोर्स कंपनी ने जो गड़बड़ी की है तो हम अपने जब उनको नियमित भर्ती करेंगे, संविदा पर रखेंगे, अपने सीधा पूरा भुगतान चेक के माध्यम से या अकाउंट में उनको देंगे तो ये गड़बड़ियाँ बंद हो जाएंगी। अभी जिन कंपनियों के पास है कर रहे हैं आउटसोर्स, उनके सभी के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सीधा उनके खाते में भुगतान किया जाए।